नहीं पहुंच रही है नमस्ते इंडिया नमस्ते इंडिया स्वागत है आप सभी लोगों का मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम लोग 28 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं क्या मेरी आवाज सबको आ रही है एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यस प्लीज वेरी गुड मॉर्निंग एवरी जय हिंद एवरी क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्या मेरी आवाज सबको आ रही है हा जी क्या मेरी आवाज सबको आ रही है हाँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑल राइट परफेक्ट ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए पहला सवाल देखिए ये आपके सामने है चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है अब मुझे बताइए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली इसको किया जाता है किस दिन ऑब्जर्व इसका थीम क्या है थीम है इसका थीम है इसका ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू ये इसकी थीम है बेटा इस बार की ठीक है और मुझे बता दीजिए ये कब ऑब्जर्व होता है करेक्ट आंसर क्या है यस प्लीज करेक्ट आंसर इज यस ये 28 जुलाई को होता है सीज का करेक्ट आंसर है नोट कर लीजिए सी करेक्ट आंसर है हैपेटाइटिस से होता क्या है हैपेटाइटिस इज बेसिकली बीमारी होती है जिसमें आपका लिवर अफेक्टेड होता है देर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और बाद में फिर यही लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है सो वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे ऑब्जर्व होता है ट्वेंटी एट जुलाई को इस बार का थीम है उसका ब्रिंगिंग हैपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू और हेपेटाइटिस से लिवर का इन्फ्लेशन हो जाता है क्लियर हो गया क्लियर है भाई ऑल राइट right. ठीक है भैया चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दो हजार बाईस यानी फाइनेंशियल ईयर ये वाला है बाय 80 बेसिस पॉइंट टू सेवन पॉइंट फोर परसेंट फ्रॉम एट पॉइंट टू परसेंट अब बताइए आईएमएफ के एफ आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आईएमएफ एम एफ का हेडक्वार्टर कहा मिलेगा ए न्यूयॉर्क यूएसए बी जेनेवा स्विट्जरलैंड सी वाशिंगटन डीसी यूएसए या डी रोम करेक्ट आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में चाहिए करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए करेक्ट आंसर इसका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ठीक है ना तो अभी आईएमएफ ने क्या किया है उन्होंने कहा कि भैया इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है अभी पहले हमको लग रहा था 8.2 परसेंट से होगी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं 8.2 परसेंट नहीं होगी रैदर ये 7.4 परसेंट से होने वाली है क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहां पर ग्रोथ का मतलब क्या होता है वॉट इज ग्रोथ और ये ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है एनी क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि हमने देखा था कोविड नाइनटीन में ये कहा गया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है माइनस ट्वेंटी टू परसेंट तक चली गई है तो ये माइनस ट्वेंटी टू परसेंट ग्रोथ कैसे हो सकती है हाउ कैन ग्रोथ भी नेगेटिव कोई इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है यस yes, प्लीज हाँ जी। कोई इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है और मुझे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कोई फर्क बता सकता है कैसे आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फर्क करोगे हाँ जी यस yes, प्लीज कैसे ही होता है ओवरऑल डेवलपमेंट जीडीपी आईएमएफ क्या होता है एक बेटा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक तरह का ये हम कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉडी है जो लोन प्रोवाइड करता है साथ में यस yes, तो ये जीडीपी ग्रोथ सर कैसे मतलब ये नेगेटिव कैसे हो गई कमांडर इन चीफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है ये नीचे कैसे हो गई नेगेटिव कैसे हो जाती है सत्यम तिवारी आई कैन एक्सप्लेन बेटा एक्सप्लेन करो एक्सपेक्टेड से कम हो तो माइनस अभय सिंह पर ईयर ग्रोथ इज ग्रोथ से माइनस ट्वेंटे टू परसेंट लेस पिछले साल से कम हो तो नेगेटिव जीडीपी मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस पर क्या बटा इनकम ठीक है देखो आप लोग मोहरल सही कह रहे हो ग्रोथ की बात जब हम करेंगे तो भैया अगर वो लास्ट ईयर बेस जो आपने एक, एक, एक रेफरेंस ईयर ले रखा है ठीक है ना आपका लास्ट ईयर रेफरेंस ईयर से अगर आपका कम हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव ग्रोथ हो गया है ऑफ कोर्स यही तरीका होता ही है तो अभी कहा गया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 8.2 परसेंट से जब बढ़ेगी लेकिन अभी आईएमएफ ने स्लैश करके 7.4 परसेंट कर दिया है ग्रोथ और डेवलपमेंट का बेसिक फर्क हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट अगर किसी भी चीज में बेटरमेंट हो रहा है देर इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो सकती है क्वालिटी ऑन ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ग्रोथ रिलेटेड टू क्वांटिटी ये थोड़ा हम इसको इस तरह से मोटे मोटे तौर से समझ सकते हैं है ना डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट मनी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम के रिलेटेड नहीं होता है डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों की डिग्निटी है लोगों को सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है वुमेन आर सेफ इन योर कंट्री इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि आपको अच्छा अच्छा आपको सोसाइटी मिल रही रहने के लिए ठीक है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज मेनटेन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत बढ़िया है कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत गजब के हैं ऑल दीज थिंग्स काउंट इन डेवलपमेंट ठीक है ना तो बेसिकली इनकम खाली लोगों का नहीं हो सकता डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ जब और भी चीजें और, और चीजें क्या होती हैं जो भी लोगों के एस्पिशन होते हैं जो भी लोगों के गोल्स होते हैं हो या गोल्स हो वो एस्पिरेशन या गोल्स डिफाइन करते हैं कि भैया उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है क्योंकि हर किसी के एस्पिरेशन और गोल्स अलग अलग होते हैं ठीक है ना हर किसी का एस्पिरेशन या हर किसी का गोल अलग अलग होता है मैं आपसे पूछूंगा तो आप हर यहां पर स्टूडेंट जितना भी बैठा हुआ है कोई कहेगा कि मेरा डेवलपमेंट गोल ये है कोई दूसरा कहेगा मैं ये चाहता हूं मैं वो चाहता हूं तो हर किसी का डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं और ये होने का कारण इसलिए होता है क्योंकि हर किसी के एस्पिरेशन या उसके गोल्स अलग अलग हैं ठीक है ना तो बट फिर भी सर कैसे फिर हम डेवलपमेंट निकालेंगे कोई कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है ये मेजॉरिटी क्या होता है बहुत सारे आपको क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं ना जैसे इसीलिए आप इंडेक्सेस पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के अंदर इसीलिए आप इंडेक्स पढ़ते हो है ना अलग अलग पैरामीटर्स भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पे हम कई सारे कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं कॉम्पिटिट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है है ना टूरिज्म इंडेक्स होता है कौन सा देश कितना ज्यादा टूरिज्म अलाउ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स होता है तो हम किसी ना किसी क्राइटेरिया पे दो देशों को हम मेजर करते हैं तब उसके बाद हम ये बता पाते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है कौन सा डेवलप्ड नहीं है अलग अलग लेवल पर जाके ठीक है ना तो मोटे मोटे तौर पर समझ में आता है कि सर सब कुछ अगर अल्टीमेटली देखा जाएगा तो आप अलग अलग पैरामीटर बता रहे हैं अगर हमको ओवरऑल तरीके से देखना है कौन सा कंट्री कैसा है तो हम क्या करते हैं की के से, अब भाई अगर किसी कंट्री में मान लो सौ रेसिडेंट रह रहे हैं हम सौ रेसिडेंट की अगर इनकम जोड़ देंगे ठीक है तो वो हो जाएगी उस कंट्री की वो हो जाएगी उस कंट्री की नेशनल इनकम लेकिन क्या ये सही तरीका है किसी कंट्री का, का नेशनल इनकम निकालने का नहीं क्या ये सही तरीका है दो तो कंट्रीज को कंपेयर करने का नहीं क्योंकि अगर मान लो कोई कंट्री ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है जिसकी पॉपुलेशन कम है तो उसके तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स भी कम होंगे मान लो पचासी हैं तो उसकी इनकम भी कितनी आएगी फाइव आएगी ठीक है तो ये कोई सही तरीका नहीं है इनकम के बेसिस पे द, कल, दो कंट्रीज को कंपेयर करने का ठीक है तो करते हैं क्या है लोग लोग क्या करते हैं एवरेज इनकम निकालते हैं कंट्रीज की क्या निकाली जाती है एवरेज इनकम निकाली जाती है एवरेज इनकम ऑफकोर्स आपको पता ही है जो टोटल इनकम हो रही है मान लिए पांच और जो टोटल यहां पर लोग रह रहे हैं फिफ्टी ठीक है तो आपको समझ में आएगा कि हंड्रेड जो है ये एक एवरेज इनकम है इधर देखिए यहां पर भी क्या जीरो 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 यहां पर भी क्या आया हंड्रेड रुपीज एवरेज इनकम है इसका मतलब देखिए दोनों की एवरेज इनकम सेम है और बेटा यही एवरेज इनकम जो होती है इट इज नथिंग बट दी पर कैपिटा इनकम यही पर कैपिटा इनकम हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं ठीक है ना यही पर कैपिटा इनकम हम लोग इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं ठीक है ना तो जस्ट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जैसे कि आपको समझ में आ पाए कि भाई व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज ग्रोथ व्हाट इज डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम ये कुछ वर्ड्स है जो आपको अक्सर आपको जब अखबार पढ़ते हो तो आपको अखबारों में मिलता होगा है ना तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ंग वैक्सीन हैज बिन अप्रूव बाई द यूरोपियन कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंकी पॉक्स अब मंकी पॉक्स अगेंस्ट यहां पर किस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है देखिए वो अप्रूवल दिया गया है को. ये 2013 में आ, आ चुकी थी और ये अभी स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है अभी अभी यूरोपियन कमीशन ने उसको मंकी पॉक्स के प्रोटेक्शन के, के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है क्लियर हो गया ठीक है क्लियर हो गया नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो है यहां पर इमेनिक्स ठीक है ठीक है चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जिसको हम लोग आई कहते हैं अब ये जो है ये कहां पर लोकेटेड है ऑफ कोर्स ये ऐसा कोर्स मैं स्टैटिक क्वेश्चन ही है ये ठीक है ये आपको पता है ये गिफ्ट सिटी के अंदर लोकेटेड है है ना ये गिफ्ट सिटी जो गुजरात का है उसके अंदर यहां पर ये लोकेटेड है यहां पर क्या हुआ है रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो है वो इसका पर्टिकुलरली आई का एक बिल्डिंग हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो है वो यहां पर उसका कॉर्नर स्टोन रखा उन्होंने और इस वजह से ये सेंटर फिर से यहां पर अभी न्यूज में आया है ठीक है तो ये आपको कहां मिलेगा बी गुजरात के अंदर मिलेगा बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है ना ठीक है ना क्लियर है ठीक है ना क्लियर है ऑल राइट तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, सेंटर जो है ये लोकेटेड है इन स्टेट ऑफ़ गुजरात ठीक है अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि अभी रिसेंटली यहां पर क्या किया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिया का इंडियाज फर्स्ट भारत का पहला इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज इसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं ठीक है एंड ऑफ कोर्स ये अपने आप में बड़ी बात हो गई कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज कहां पर होने वाला है ठीक है एक्चुअली नॉट बिलियन इट्स बुलियन इसको नोट कर लीजिए बुलियन कर लीजिए इसको ठीक है ना ये बुलियन एक्सचेंज है तो ये कहां पर होने जा रहा है ये भी आपका गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर खुलने जा रहा है ठीक है ना ये भी आपका गिफ्ट सिटी के अंदर खुलेगा तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहां पर है यस 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 ठीक है नोट कर लो ठीक है चलो भाई क्लियर है भैया हाँ यून ने बता दिया बुलियन क्या होता है सर बुलियन मतलब जब हम बात करते हैं कॉम्युडिटीज लाइक गोल्ड की कॉम्युडिटीज लाइक सिल्वर की इस तरह की कॉम्युडिटीज को हम लोग यहां बुलियन कहते हैं और पहला इंडिया का इंटरनेशनल इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वो कहां पर गिफ्ट सिटी के अंदर खोला जाएगा करेक्ट आंसर इज अभी इसका करेक्ट आंसर इज गुजरात चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ Yikes. ग्लोबल एनर्जी प्राइस 2022 हैज बीन वन बाय अब ये ग्लोबल एनर्जी प्राइस 2022 है ये किसने जीता हुआ है देखो यार ये ऑफ़ कोर्स आपको समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी की फील्ड में दिया जाता है यानी किसी व्यक्ति का अगर बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ठीक है यहां पर न्यू एनर्जी की बात होती है और यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर उसने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो आपको तो ये प्राइस आपको मिल सकता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइस 2022 किसको दिया गया है ये प्राइस बाइस किस को दिया गया है खलील अमीन को दिया गया है निकोलस को दिया है कौशिक राजेश राजशेखर को दिया गया देखो एक्चुअली ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया यहां पर इस बार ये इनको मिला हुआ है और इनको भी मिला हुआ है एक्चुअली ही इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन ही इज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिनको ये अवार्ड दिया गया है ठीक है ना अब ज्वाइंटली दिया गया है इनके साथ तो बेसिकली इसका ऑप्शन दो है ये एंड डी दो करेक्ट ऑप्शन है इसके ठीक है ना दो इसके करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइस 2022 इन दोनों को दिया गया ठीक है ना दो लोगों को दिया गया है कौशिक राजशेखर को तो मिलना ही मिला है ये पहले फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है और साथ में इट इज ही इज क्लब्ड बाय मरकोरी ठीक है ना साथ में आप जो और खलील का नाम देख रहे हैं ये लोगों को ये भी दे आर दी ग्लोबल एनर्जी प्राइज विनर लेकिन इनको प्रीवियस ईयर दिया गया था ठीक है ना इनको पहले अवार्ड मिल चुका है प्रीवियस ईयर में अभी दो का अवार्ड कौशिक राजशेखर और मरकोरी कनाडज को दिया गया क्लियर हो गया क्लियर हो गया ठीक है ना ठीक है चलो भाई <laughs> चलिए नोट कर लिया चलो आगे आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024 अभी अभी रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है और यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय रशिया रशिया ने कहा है कि भैया हम जो है अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 के बाद छोड़ देंगे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इट इज अ ज्वाइंट कोलैबोरेशन जब यह बनाया गया था तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यह बनाया गया था यूएसए और रशिया ने मिलकर बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके थे और आ भी चुके हैं यूएसए और रशिया के बीच में बिकॉज ऑफ वेरियस या तो नाटो को लेकर हो या किसी चीज को लेकर हो लेकिन स्पेस की फील्ड में कभी भी इन दोनों देशों के बीच में दरारें नहीं पड़ी थी लेकिन अब रिसेंटली रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 के बाद हम इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहां पर कौन कौन से कंट्रीज हैं इसका मुझे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यूएसए है रशिया है इसके अंदर इसके अंदर जापान है इसके अंदर कैनेडा है ठीक है कैनेडा है और इसके अंदर एक कंट्री और कौन सा है यूएस हो गया रशिया हो गया जापान हो गया कैनेडा हो गया एंड हा भाई कौन सा कंट्री एक और है एक कंट्री और कौन सा है <coughs> हाँ वलादिमीर भैया ने किया है वलदिमीर भैया करते हैं सब चीज यस प्लीज हाँ एक जो है वो है पूरा यूरोप ठीक है ना एक यूरोप पूरा यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं वो यहां पर है तो ये पांच कंट्रीज से मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन मतलब इस ये पांच कंट्रीज इसमें काम कर रहे थे ठीक है ना और यही पांच कंट्री में अब रशिया कह रहा है कि हम जिसमें से 2024 के बाद एग्जिट कर जाएंगे ठीक है ना ठीक है ना इसको लो अर्थ ऑर्बिट में ये भी फिलहाल चलता है ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट में यह चलता है क्लियर हो गया ठीक है एल ई -e ओ लो अर्थ ऑर्बिट में इसको यहां पर रखा गया है ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024 करेक्ट आंसर इज रशिया ठीक है ना करेक्ट आंसर इज

कोर्स इंडिया में हो रहा है ठीक है और मैंने यह भी बताया था कि पहले यह होना था रशिया में लेकिन रशिया में बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर वहां से यह कैंसिल होकर शिफ्ट हो गया इंडिया में और इंडिया में आप जाओगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज हैपनिंग इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु ठीक है ना तमिलनाडु में यह फोर्टी फोर्थ इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हो रहा है एक मेजर इवेंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको स्टार लगा लीजिए फाइव स्टार क्वेश्चन ये आपका हो सकता है अब उसके बाद सवाल यह है कि इसका इसका जो एंथम है वो क्या है फोर्टी का आपसे ही पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज वन कम चेन्नई इसको किसने यहां पर क्या वो किया है अनवील किया है इट इज अनवील्ड बाय ए आर रहमान सी इसका करेक्ट आंसर है ए आर रहमान ने इसको अनवील किया हुआ है क्लियर हो गया ठीक है ना क्लियर हो गया ए आर रहमान ने इसको अनवील किया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व अब ये जो पर्टिकुलर डे है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रूव ये किस दिन ऑब्जर्व होता है कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग बता दीजिए यस प्लीज किस दिन होता है ये इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रूव्स हाँ भाई यस प्लीज देखो यार आपको मैंग्रोव्स का पता ही होगा मैंग्रोव्स क्या होते हैं आपको चाहिए बताइए मैंग्रोव्स कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं किस स्टेट में आपको मैंग्रोव की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है इसका आंसर मुझे बता दीजिए और मैंग्रोव आप जानते ही हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ये पानी के ऊपर भी निकल आती हैं है ना इनकी जो रूट्स हैं पानी के ऊपर आती हैं और ये काफ़ी फर्म होते हैं मैंग्रोव्स बेसिकली हमको मदद करते हैं किसी भी हाई टाइड या फिर सुनामी जैसे लहरों से बचने के लिए ठीक तो है तो मैंग्रोव्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं काफी यहां पर इंपॉर्टेंटली यह एक ऐसा जोन होता है जो बायोको सिस्टम को सपोर्ट करता है तो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रूव एक्चुअली 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है बी इसका करेक्ट आंसर हो गया ठीक है ना ठीक है 26 जुलाई को ये ऑब्जर्व होता है 26 जुलाई क्लियर है अब मुझे ये बताइए गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेगा गुजरात में सबसे ज्यादा मिलेंगे मैंग्रूव या फिर जो लोग आप लोग बोल रहे हो वेस्ट बंगाल सुंदरबन वहां मिलेंगे स्टेट यस yes, प्लीज बताइएगा मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट दी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 हजार पच्चीस वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप दो का कौन यहां होस्ट करने वाला है ए ऑस्ट्रेलिया बी विंडीज सी इंडिया या डी इंग्लैंड बताइए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आप सभी लोगों के लिए हाँ जी कौन होस्ट करने वाला है यस yes. देखो यार आप इसका आंसर बताओ मैं आपको बता देता हूं 2024 का जो यहां पर टी होने वाला है वुमेन का टी ट्वेंटी वुमेन उसको होस्ट करने वाला है बांग्लादेश उसको होस्ट करने वाला है बांग्लादेश 2025 का जो यहां पर ओडीआई होने वाला है वही सवाल है आपसे वुमेन का वो कौन होस्ट करने वाला है वो होस्ट करने वाला है बेटा सी इंडिया सी इंडिया जो है इसको होस्ट करेगा ठीक है ना और ये बता दीजिए मुझे कि श्रीलंका जो है किस साल में चैंपियंस ट्रॉफी को जाके होल्ड करने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी इन सबका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी को कब होस्ट करने वाला है यस प्लीज चैंपियंस ट्रॉफी को कब होस्ट करने वाला है 2027 में जो वुमेन की टी ट्वेंटी चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको ये श्रीलंका होस्ट करेगा ठीक है ना तो वुमेन की जो वुमेन की यहाँ पर टी ट्वेंटी चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको श्रीलंका 2027 में होल्ड करेगा खैर बहुत आगे की चीजें हो गई इंडिया का जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंडिया ही पूछ सकता है मैक्सिमम और 2024 इज वेरी नियर तो माइट भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्लियर हो गया ठीक है भाई ऑल राइट ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे आ, आ जाइए दो लिखा हुआ है नेक्स्ट आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आयु सी एन एज क्लासिफाइड विच बटरफ्लाई स्पीशीज एज दी एंडेंजर्ड स्पीशीज तो फिर आपको पता होगा आई यूसी बेसिकली स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन इट स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन हो हाजी लिख लीजिए आयूसीआर का फुल फॉर्म लिख लीजिए जिसको नहीं पता है इट इज इंटरनेशनल आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है ना ये होता है आयु का फुल फॉर्म अब आयुसीएन क्या करता है कि स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि उनके एग्जिस्टेंस पे कितना सवाल जवाब खड़ा हुआ है ठीक है ना तो आप देखिए यहां पर ऐसे एक्सटिंग लिखा होता है एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट ठीक है ना फिर इसके नीचे आएंगे एक कैटेगरी होती है एक्सटिंट इन वाइल्ड एक कैटेगरी होती है एक्सटिंट इन वाइल्ड ठीक है ना फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको देखेगा यहां पर क्रिटिकली इनडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये एक ये कैटेगरी होती है ठीक है ना फिर उसके नीचे आएंगे तो होता है एंडेंजर्ड, फिर उसके नीचे होता है एंडेंजर्ड, फिर होता है आपका वल्नरेबल ठीक है ना Vulnerable. इस तरह से आपके जो है अलग अलग यहां पर कैटेगरी होते हैं और नीचे जाएंगे भैया so हाँ इसकी पॉपुलेशन पे इस कोई दिक्कत नहीं है पॉपुलेशन क्वानिटी में अमाउंट में है लीज कंसर्न होता है इस तरह से आती है तो अभी यहां पर आई यूसी ने कौन सी बटरफ्लाई को एनडेंजर्ड स्पीसी की कैटेगरी में डाल दिया है मतलब अगर आपने उनकी पॉपुलेशन या उनको कंसर्न नहीं किया

कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग एक्सटेंट बोलते हैं यहां पर मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसको IUCN की आयुसीएन ने एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाल दिया करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज मोनार्क बटरफ्लाई क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल अच्छा अगला सवाल से पहले देखो एक बार ये देख लो देखो यार आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट्स जो है अब ई एफ आई आर का सिस्टम ला चुके हैं है ना ऑफ कोर्स अभी ये सिस्टम जो है अब ये गुजरात के अंदर भी लॉन्च होने वाला है और इसको हमारे देश के होम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं ठीक है, है? अमित शाह जी उन्होंने ई एफ आई आर सिस्टम को लॉन्च करने की बात करी है टू लॉन्च ई एफ आई आर सिस्टम इन गांधीनगर तो आपको पता है और बहुत सारे स्टेट्स हैं मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक सवाल दिया था जहां रिसेंटली ई एफ आई आर सिस्टम का तरीका शुरू हुआ था ये तरीका आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है चलता है आप घर बैठे एफआईआर कर सकते हो किसी के ऊपर ठीक है ना ये आपको यहां पर पता होगा क्लियर है तो अमित शाह साहब ने यहां पर क्या किया है क्या कर रहे हैं वो अब गुजरात के अंदर भी ई एफआईआर सिस्टम को लागू कर रहे हैं क्या आपको पता है कि कौन-कौन से और स्टेट्स हैं जहां पर ये लागू है एक बच्चा जो तो लिख रहा है यहां पर जिसका नाम है 10k सब्सक्राइबर चैलेंज सर चलना की मिसाइल कहां अरे अच्छा चाइना के अच्छा 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 तुम बेटा बहुत आगे आ रहे हो मुझे मुझे क्या मैं तो प्रधानमंत्री हूं लिख रहा है यूपी में भी है सर राजस्थान में भी है सर बिल्कुल सही है चलिए बहुत बढ़िया चलिए आगे आइए ई एफ आई आर का मतलब अच्छा पूछ रहा है ई एफ आई आर का मतलब क्या होता है भैया ई एफ आई आर मतलब यह है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने कोई क्राइम कर दिया और क्राइम करने के बाद तुम बढ़िया निकल जाओगे वहां से तब तक वहां पुलिस आएगी कोई तकीकात करी जाएगी मान लो कोई बात नहीं वहां पर था वो वहीं से बैठे बैठे देख रहा है एक आदमी कुछ कर रहा है इसने कुछ गलत किया वो वहीं से बैठे बैठे फोन से ही अपने एफ कर सकता है आपके खिलाफ तो उसको बोलते हैं ई एफ आई आर ऑबियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ का फुल फॉर्म क्या होता है एफ का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी को नहीं पता है तो वो यहां पर फुल फॉर्म भी इसका जान जाए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बेसिकली इसका मतलब ही यही होता है जब कोई क्राइम होता है तो पहली रिपोर्ट जो पुलिस को मिलती है पहली जो खबर पुलिस को मिलती है पहले जो इंफॉर्मेशन uh, जो पुलिस पाती है वो एफ होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन पहली बार पुलिस को, उपर, पुलिस को जानकारी मिली जब तक एफआईआर नहीं होती है तो एक तरह से ये कहा ही नहीं जा सकता पुलिस को जानकारी मिली भी कि नहीं मिली ठीक है ना इसलिए आर बहुत जरूरी होती है ठीक है ना और कभी कभी इसीलिए क्या होता है कभी कभी अंदर की बातें होती है प्रैक्टिकल बात है कि कभी -कभी पुलिस बातें दर्ज भी नहीं करती है इसका मतलब कभी कोई कह ही नहीं सकता ऑफिशियली कि भाई हाँ पुलिस को चीज पता भी है कि नहीं पता है ठीक है तो बेसिकली एफ के बाद चीजें ऑफिशियल हो जाती है इट्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट एनी ऑफेंस एनी थिंग एनी क्राइम ठीक है तो अब यह एफ आई होने का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक

करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया गया है आंध्र प्रदेश में चलाया गया ठीक है ना कहा चलाया गया आंध्र प्रदेश में चलाया गया ठीक है नोट कर लीजिए आंध्र प्रदेश में इसको चलाया गया नोट करिए पहले तो अब ये फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट है क्या फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट है क्या देखिए यहां पर क्या हुआ है कि इस स्कीम के तहत जो मेडिकल एंड हेल्थ पर्सनल है वो आपके मतलब वो आपके घर पे विजिट करेंगे ठीक है वो आप घर पे विजिट करेंगे जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से ठीक है आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसके बाद आप घर चले गए तो आपका फीडबैक और आपको फॉलोअप करने के लिए आपका वो डॉक्टर जो, जो है वो घर तक आपके जाएगा ठीक है ना तो आफ्टर बींग डिस्चार्ज आफ्टर बींग डिस्चार्ज आफ्टर बींग

ठीक है जी ऑल राइट right. हाँ आंध्र प्रदेश का ये सर कल का शॉर्ट वीडियो नहीं मिला बेटा अदिति आज सुबह आपको 11 बजे मिल जाएगा 11 एम मिलेगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग जरूर देखिएगा मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है ऑन रणवीर सिंह और रणवीर सिंह के ऊपर जो एफआईआर हुई है और मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से एक्ट या कौन कौन से लॉ अट्रैक्ट हुए हैं

क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन हा भाई किस यहां पर राज्य ने इस पर्टिकुलर डीसीसीएम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है डीसीसीएम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है यस चलिए देखिए डीसीसीएम इज डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन अब भाई देखिए अभी तक आपने कंट्री के क्लाइमेट चेंज के मिशन की बात करी थी अब क्या हो रहा है वो कौन सी स्टेट है वो कौन सा राज्य है जो जिले के लेवल पे क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने की बात कर रहे हैं यस प्लीज इंडियन स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज सी तमिलनाडु या डी बिहार यस प्लीज करेक्ट आंसर है इसका सी तमिलनाडु तमिलनाडु ये सब काम करेगा ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा है ना तमिलनाडु यहां पर ही काम कर रहा है एमपी एमपी के लगा के आगे आग मत लगाओ इससे कुछ नहीं होता है कि एमपी लगा दिया आग लग गया ठीक है ना ठीक है तो जो तमिलनाडु के 38 जिले हैं उन सबके अक्रॉस होगा ठीक है अब ये जो ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसको जो डीएम साहब होंगे जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते है, कलेक्टर बोलते हैं हैं वो जो है इसको यहां पर इंप्लीमेंट करवाएंगे ठीक है ना वो इनको जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे चलिए नोट करिए कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो इसको यहां इंप्लीमेंट कराएंगे और यह किस मिशन के तहत किया गया है यह किया गया है मिशन 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 लिख लीजिए डायरेक्टर्स इस मिशन के तहत इसको किया गया नोट कर लीजिए ठीक है ना तो इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एडमिनिस्टर करेंगे एज मिशन डायरेक्टर्स ठीक है और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं डीएफओ जो होते हैं आपने सुना होगा ये भी एग्जामिनेशन के थ्रू पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं डीएफओ होते हैं ये क्या करेंगे ये डीएफओ क्या करेंगे ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे ठीक है ना तो ये जो होंगे बेसिकली बाकी लोग वो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब के से लोग यहां पर मौजूद हैं और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डीएफओ मौजूद है ठीक है ना ये दोनों है तमिलनाडु का ये प्रोजेक्ट है जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर ये चीज काम किए जाएंगे ठीक है ना ठीक है ऑल राइट सो क्लाइमेट से कैसे हम लड़ेंगे क्लाइमेट से कैसे हम मिटिगेशन करेंगे इन सब चीजों का काम यहां पर होगा हाउ वी विल मिटिगेट विद दी क्लाइमेट मिटिगेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है कैसे हम क्लाइमेट जो जो इंक्रीजिंग क्लाइमेट है ग्लोबल वार्मिंग है उन सब से हम कैसे बचेंगे ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रा कैसे बचें कैसे इससे मिटिगेट करें ये सब चीज जो है अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होने जा रही है और वो कौन सा स्टेट है यहां पर जो इसने इस तरह का डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन यहां पर लाया है वो है तमिलनाडु सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया क्लियर हो गया ठीक है समझ में आ गया भाई क्लियर ठीक है तो हमारा अब अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरारी पोत्रु विच वॉज अब देखो ये जो आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया का 68 एट नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड डिक्लेयर किए गए थे है ना तो उसमें एक मूवी है जिसका नाम है आप देख सकते हैं सुरारी पोत्रू विच वॉज डिक्लेयर फीचर फिल्म ये किस लैंग्वेज में ये फिल्म थी ए कन्नड़ बी गुजराती सी मलयालम या डी तमिल ये मूवी बेटा तमिल की लैंग्वेज में थी तमिल मूवी तमिल में तमिल की भाषा में ये मूवी यहां बनाई गई थी सुरारी पोत्रू अब आपसे ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि ऑफकोर्स ये अपने देश का काफी इंपॉर्टेंट सिक्सटी नेशनल फिल्म अवार्ड है आपके एग्जामिनेशन में ये अवार्ड आ सकते हैं ऐसे बाकी सारे अवार्ड्स में पढ़ा करो है ना पता चला स्टार प्लस अवार्ड्स पढ़ रहे हो स्टार स्टारीन अवार्ड्स पढ़ रहे हो यह आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स है इसलिए आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनफैक्ट एस एस सी और रेलवेज के एग्जाम्स में पहले इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं ठीक है ना इससे पहले यहां पर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं ठीक है ठीके? तो इसको नोट कर लीजिए कि शुरारी पोत्रु जो है ये तमिल भाषा में ये मूवी है ठीक है ना तमिल भाषा में ये मूवी है क्लियर है चलिए तो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था यह भी पूरा हो गया ठीक है भाई अजय देवगन साहब को भी अवार्ड मिला गया नेशनल इस बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अजय देवगन को अजय देवगन विमल केसरी ठीक है ना तो इनको मिला है अवार्ड बेस्ट तानाजी मूवी के लिए ठीक है चलिए सो दैट्स इट आज के लिए खत्म हो गया ये चीज थैंक्स फॉर हंड्रेड के थैंक यू सो मच यू ऑल आर वर्किंग सो हार्ड विद मी इट्स नॉट मी अलोन ठीक है भाई अब बस हो गया बोलो जुबान को सी अब उसी के पीछे पड़ जाओगे चलिए फिर दैट्स इट आज के लिए और अपनी खूब मेहनत करिए खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और इस इस वीक ऑन संडे इस वीक ऑन संडे आपका डिफेंस uh, वाला के ऊपर क्लास होने वाली है इस वीक आपका डिफेंस वाला पे क्लास होगी संडे को ठीक है और वो करंट अफेयर्स की क्लास होगी और इस करंट अफेयर्स में आपके साथ अप्रैल और मई इन दो मंथ्स को यहां कवर करने वाला हूं और जो कुछ भी मार्च का इक्का दुक्का छूट भी गया होगा तो वो भी यहां पर आ जाएगा बट आपकी करंट अफेयर्स क्लास नंबर टू में अप्रैल और मे यहां पर मैं कवर करने वाला ठीक ठीक है है चलिए तो ये हम लोग मिलेंगे संडे को ये हम लोग मिलेंगे संडे को दिस विल बी बी अ मैराथन सेशन अगेन अगेन ठीक है प्रोबेबली दिस विल लाइव क्लास ठीक है यहां पर इसको अटेंड करना मत भूलना और जो अगर किसी ने करंट अफेयर्स वन नहीं देखा है तो वो देख ले भैया सी यू ई टी का एग्जामिनेशन के लिए और एन डी ए वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट सी यू टी वाले इसको देखेंगे तो उनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं उसे मैंने मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं इस वाली क्लास में करंट अफेयर्स वन में ठीक है, अप्रोक्सी फोर्टी के इस पे लोग देख भी हैं इसको, इस पे approximately 40, 40 के, के आसपास यहाँ पर भी तो आप लोग जरूर लीजिए आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है ना ठीक है चलिए ऑल राइट right. मिलते हैं फिर अपने आप अगले लेक्चर में अच्छा बीच में क्या है कि मैं अभी थोड़ा सा मूव करूंगा एक आध दिन है ना मेरा मूवमेंट होना है मैं अभी कहीं और हूं मैं यहां से कहीं और जाऊंगा तो बीच में हो सकता है इफ़ आई विल ट्रैवल ओवर नाइट या कभी ऐसा होता है तो हो सकता है एक आध दिन ऑफ करना पड़े आई विल ट्राई कि अब देखो अगर आज मैं मूव करता हूँ तो शायद कल हम ना मिले बट यू विल लेट गेट टू नो आपको शाम तक तो पता चल जाएगा ठीक है कि हम लोग कल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ठीक है ठीक है सैटरडे को भी शौर्य वालों की क्लास है उनके भी यहाँ पर पी के काम होंगे वो भी बड़ी क्लास है और संडे वाली भी है ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे पढ़ाई करो बेटा खूब मेहनत करो मिलते हैं कल की क्लास में अगर हम लोग मिल रहे हैं तो आई यूलट गेट टू नो अबाउट इट जय हिंद जय भारत